दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आपको या तो तीन पत्थर अपन मारते सर, सर पत्थर अपन। नाला सुपारा संतोष भवन पांडे नगर में अनजाने विवाद के चलते दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प, कई लोग हुए घायल। नाला सुपारा तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत संतोष भवन पांडे नगर में बीते दिन दो पक्षों के बीच एक अनजाने विवाद के चलते हिंसक झड़प होने की खबर सामने आई है। इस झड़प के पीछे एक किसी अनजाने विवाद को कारण माना जा रहा है। दो पक्षों के बीच हुई इस झड़प में एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों तथा पत्थरों से वार किए गए, जिसमें दोनों ही पक्षों के कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी है। घटना की जानकारी पर तुलिंज पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर दोनों ही पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं इस झड़प में घायल लोगों को उपचार हेतु निजी अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में कुछ महिलाएं भी शामिल है। इस मामले से पांडे नगर में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। पुलिस दोनों ही पक्षों के लोगों से पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस मामले के घटनास्थल का एक वीडियो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस स्क्रीन पर चल रहे वीडियो से मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मामले में पुलिस हस्तक्षेप के बाद पांडे नगर के वासी बड़ी तादाद में तुलिंज पुलिस स्टेशन पहुंच गए और उनके द्वारा पुलिस कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त किया गया। अब देखना यह होगा कि इस संवेदनशील मामले में पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। मेरे पास वो वीडियो भी बना हूँ मैं, जो मतलब तीन दहाड़े औरत और सब आदमी पुलिस के सामने रह के ना, पुलिस के सामने वो बजरंग दल जो कट्टर छवि है, अगर हाथ जोड़ना भी जानता है तो हाथ तोड़ना भी जानता है। कमजोर ना समझा जाए। अगर आपको ये चीज़ हमारी बातों को विश्वास ना हो तो इन्हीं महिला पुलिस अधिकारियों को वहाँ पे भेजिए, उस एरिया के लोगों से, लोकल लोगों से पूछिए, हमसे ही नहीं हमारे घर वालों से पूछिए, जाकर वहाँ लोकल लोगों से पूछिए। चार साल पाँच साल पहले क्या होता था, लोग कमा के आते थे लेकिन उनके घर पे पैसे नहीं पहुँचते थे, माँ बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, कौन बचाता था? कोई नहीं बचाता था। पुलिस वाले नहीं चाहते थे, पुलिस वाले खुद डरते थे, महिलाएं चमट चमट मारती थी, लफड़ा मारती थी। मैं आपको बता रहा हूँ, दो साल पहले यहाँ दो पुलिस वालों को हम लोगों ने बचाया था अपनी जान पे खेल करके, इनको हाफ मर्डर करके मारा गया था, इतना गंदा मारा गया था। कुछ समय पहले यहाँ पे रिक्शा वालों को मर्डर होता है, उसमें किसका इन्वॉल्व था? इन्हीं लोगों का इन्वॉल्व था। कार्रवाई हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कारण क्या है? प्रशासन इनके ऊपर शांत इसीलिए बैठा है कि इनका कुछ तो मिली भगत है। प्रशासन बिक चुका है तुम्हें पुलिस स्टेशन। साफ साफ कहना चाहूंगा, साफ साफ कहना चाहूंगा, ये देश इन गद्दारों से नहीं चलेगा, हम जैसे राजभक्तों से चलेगा, हम जैसे राष्ट्रभक्तों से ही चलेगा। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका परिणाम और खामियाजा केवल केवल ये तुरंत पुलिस स्टेशन ही भुगतेगा, यहाँ के पालघर पूरा प्रशासन भुगतेगा। जय श्री राम। अभी आपकी मांग क्या है? पुलिस वाले मांग क्या है? उचित कार्रवाई की जाए, उचित न्याय दिया जाए, कानून व्यवस्था सुरक्षित रहे, और जो अगर इनको डर लगता है, नहीं जा पा रहे हैं, नहीं ये कर पा रहे हैं, तो उसको बताया जाए, उसको भी बताया जाए, फिर उसके लिए हम हैं। क्योंकि आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो, आपको फोन आता है तो आप एक घंटे बाद आते हो, वहाँ तक आदमी का सर फूट जाता है, महिलाओं की इज्जत लूट जाती है, उनके आभूषण लोच लेते हैं। किसके साथ मारपीट हुई? अभी हमारे शिवम पांडे जी हैं, अंकित शुक्ला जी हैं, रौनक दुबे जी हैं, मानी सिंह राठौर जी हैं, और उनकी माता जी हैं, और उनके भाई है शुभम जी है उनके साथ, और विशाल प्रजापति ऐसे एडमिट है, और हॉस्पिटल में एडमिट है। शिवम पांडे जी की माता जी अभी भी वहाँ पे, उनका ये चल रहा है मेडिकल चल रहा है, छह टाके चले, लेकिन उनके उनका ये जो करने वाले हैं उनका नाम पता है कुछ आपको? हाँ, मुकेश भरत। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।